मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर चीज अपने रब से मांग, हर चीज मांग, हर चीज मांग। या रसूलल्लाह क्या कुछ? मेरे महबूब ने फरमाया तेरे घर में नमक भी खत्म हो जाए तो वो भी अपने रब से मांगा कर, तू मांग ना वो तुझे देगा, तू उसकी बारगाह में कशकोले तलब दराज तो करना। और तिर्मिजी शरीफ में अजीब लफ्ज है, रसूल कायनात ने फरमाया, रब करीम फरमाते जब मेरा बंदा हाथ उठाता है ना तो मुझे हया आती है कि मैं खाली कैसे लौटा दूं इसके, इतने बड़े बादशाह की बारगाह में। ओ भाई, लोगों से इज्जतें तलाश करते हो तो वो क्या तुम्हें इज्जत देंगे, वो तो कल अच्छा कहते हैं परसों बुरा कहने लग जाते हैं। लोगों के सामने गुड बुक में आना चाहोगे तो वो तो सवेरे तुम्हारे बारे में कुछ कहेंगे, शाम कुछ और कहेंगे। अपनी रूहानी जिंदगी आबाद करें, अपने मुसल्ले को वक्त दें और दुनिया से छुपकर इस मोबाइल को बंद करके और अपने आप से भी छुप के और तन्हा होके छुपा के सारा कुछ अपने आंसू अपने रब की बारगाह में पेश करें, उसके हुजूर हाजरी दें। सुनो ना तिर्मिजी की हदीस और इसे याद रखना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने दुख लोगों के सामने ना बयान करना, सेठों नवाबों को ना बताते फिरना, दुनियादारों के सामने जाके ना रोना कि मैं तकलीफ में हूं। फरमाया अगर दुनियादारों को दुख बताओगे रब तुम्हें कभी गनी नहीं करेगा। और लोग हैं कि उल्टा मजाक उड़ाएंगे आपकी, जिससे बड़ी पक्की यारी है ना पक्की, वो तब तक पक्की है जब तक आपने 50,000 मांगा नहीं, और जिस वक्त आपने कह दिया कि मैं मजबूर हूं मेरी मदद कर तो फिर खत्म हो गई दोस्ती। लोगों के ताल्लुकात आपके साथ तब तक हैं जब तक